भाजपा सियासत के 100 दिन होने पर कांग्रेस गरजने लगी, सबको दर्द है तो बस सत्ता का, जनता तो महज वोट देने भर के लिए ही है। प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार के 100 दिन होने पर कांग्रेस ने काला दिवस मनाया, मुंह पर काला कपड़ा, हाथों में काला झंडा लेकर प्रदर्शन किया। निर्दलियों के सहारे बनी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के गिरने का दर्द कांग्रेस सहन नहीं कर पा रही है। कांग्रेसी अलाप विलाप कर रहे हैं कि जनता की चुनी हुई सरकार षड्यंत्र पूर्वक गिराई है। इधर भाजपा अपनी सरकार के 100 दिन विकास के नाम पर बताकर फूले नहीं समा रहे हैं। सियासत को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाकर नकारा साबित करने में लगी है। दोनों ही दलों को जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, यानी अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। दोनों ही दल अपनी अपनी सरकार की तारीफ कर विकास के मसीहा बने हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, देखिए आज से 100 दिन पूर्व मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र की जो हत्या की गई है, एक निर्वाचित सरकार जो जनता द्वारा चुनी गई थी, जनता के द्वारा निर्वाचित की गई थी और जो जनता के हित में लगातार कार्य कर रही थी, ऐसी सरकार को जुगाड़ पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक और खरीदे और अपने धनबल से आधार पर गिराकर जिस प्रकार से प्रजातंत्र की हत्या की और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, इस दिवस को हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज उसके 100 दिन पूरे हुए, इसलिए इसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। कांग्रेस नेता के आरोप पर भाजपा के मीडिया प्रभारी अरुण राव ने जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस को जिंदा लाश बताते हुए कहा, स्वाभाविक है जब आप आपस में लड़ रहे हो, गिर रहे हो, तो इसमें पड़ोसी का क्या दोष है? आपके घर में झगड़ा हो रहा है और आप गिर के, अच्छा कोई पार्टी तोड़ करके अपनी और उसके लोग हमारे इसमें शामिल होना चाहे, हमारी विचारधारा को स्वीकार करना चाहे, तो हम क्यों रोकेंगे, हम क्यों मना करेंगे? स्वाभाविक है। अभी भी हाल ही में देखने में आया है कि जिस तरह कांग्रेस एकदम से राम शेर की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस उनके सामने आ रही है, तो क्या कहेंगे? क्या होता है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की हरकतें करना होती है बिना वजह। अब क्या कोई कुछ भी कर ले, कांग्रेस मर चुकी है और ये एक जिंदा लाश है और ये रोज मर रही है। और कांग्रेस को कोई नहीं मार रहा है, उनके अपने ही मार रहे हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, इनके रहनुमा है। दोनों दलों की सत्ता की इस लड़ाई में विकास गुम हो गया है। जिस तरह से हमने कुछ कैमरों से इस बारे में चर्चा की, बीजेपी के लोगों से बात की हमने, उनका कहना था कि जब कांग्रेस सरकार में घर में फूट है तो फूट की वजह से सरकार गिरी है, क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कांग्रेस अच्छे निर्णय ले रही थी, अच्छी सरकार चला रही थी। हो सकता है हमारे कुछ साथी जो थे कांग्रेस में उस समय, वो अपने आप में लालच में कुछ आ गए होंगे, कुछ प्रलोभन उनको दिया हो या कुछ उनकी अतिरिक्त महत्वाकांक्षा हो, लेकिन एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, अपना विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और उसके कुछ मूल्य रहते हैं, राजनीतिक मूल्य, उन मूल्यों का सीधा सीधा उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चूंकि आपके दल में अगर आज अगर असंतोष की बात करें, शिवराज सिंह जी अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे, एक कमरे से सरकार चला रहे, इतने दिन हो गए आप मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर, क्योंकि उन्हें भी उसी असंतोष की चिंता पड़ी हुई है, जो असंतोष कभी भी फूट सकता है। तो लोकतंत्र की हत्या हुई, किस तरह से आपने का जो प्रेरण किया, क्यों किया? निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या हुई है। अगर जनता ने किसी सरकार को वोट देकर, अपना मत देकर किसी सरकार को बनाया है, प्रदेश की जनता का मत, किसानों पे इतने अत्याचार शिवराज सिंह ने पहले किए, पहले भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिए गए थे, आप समझिए व्यापक घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ था, जनता की त्रस्त थी, किसान त्रस्त थे, आम नागरिक त्रस्त थे, मध्यम वर्गीय जो शहरी नागरिक है वो त्रस्त थे, उन्होंने मिलकर कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में विजय बनाया था, स्पष्ट बहुमत दिया था। और उसके बाद आपने पिछले दरवाजे से कुछ विधायकों को खरीद कर प्रलोभन देकर और आपने कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर अगर सरकार बनाई, जिस सरकार ऐसी बनाई जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने अपना मत नहीं दिया था, तो ये एक तरह से मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या ही इसको माना जाए। इस तरह से कांग्रेस ने काला दिवस मनाया है, ब्लैक डे मनाया है, तो आपने एक मैसेज वायरल किया है जिसमें उसको आप ब्लैक डे को आपने हास्यास्पद बताया है, क्या कारण है? लोकतंत्र की जब बात कांग्रेस करती है तो हंसी तो आएगी। जिस कांग्रेस पार्टी में गठन से लेकर आज तक लोकतंत्र का कहीं नामो निशान नहीं है, जहां वंशवाद है, जहां एक परिवार की सत्ता चलती है, जिसने आपातकाल इस देश को दिया, जिसने 19 माह अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को खुली जेल में तब्दील कर दिया, ऐसे लोग कहें कि लोकतंत्र की दुहाई दे और लोकतंत्र के हत्या का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए, तो मुझे हंसी तो आएगी स्वाभाविक। तो आपने मैसेज किया, तो किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई,
जानना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे? जब आपातकाल लगा लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? जब निर्दोष लोगों को, विपक्ष नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया बिना वजह, जब प्रेस की आजादी छीन ली, जब आम नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? जन प्रतिनिधि विनोद राठौर कहते हैं कि अभी जो महामारी कोरोना जो विषम परिस्थिति चल रही है, उसको लड़ने के लिए कोई उपाय उठाना चाहिए, उनके लड़ने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। आपस में लड़ने झगड़ने से कोई उचित नहीं है, और विकास के मुद्दे पे दोनों पार्टियों को लड़ना चाहिए, जनता के हित में लड़ना चाहिए, ऐसे कोई कदम उठाना चाहिए जो जनता हित में हो। नहीं, इस तरह से भी जो देखने में आ रहा है, एक बोल रही है कि हमारी सरकार गिरा दी गई और एक कह रही निर्वाचित सरकार थी, तो इन लोगों का आपस में कई मतभेद चल रहे हैं। विनोद जी, अभी इनको दोनों को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसका कोई उचित नहीं है। अभी सिर्फ महामारी से लड़ना चाहिए इनको। कोरोना मरीज की पहचान के लिए कील कोरोना अभियान बुधवार से शुरू किया गया। सुबह जिला अस्पताल परिसर में कील कोरोना अभियान की समारोह पूर्वक दीप प्रज्वलित करके शुरुआत की गई। शुभारंभ मौके पर कलेक्टर रुचिका चौहान, पुलिस कप्तान गौरव तिवारी, नगर विधायक चेतन कश्यप, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे, सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर, भाजपा नेता राजेंद्र रुनेरा सहित अतिथि मंचासीन रहे। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक चेतन कश्यप ने कहा कि ऐसा अभियान दिया है कि जो प्रदेश के स्वास्थ्य को और आने वाली चुनौतियों को पूरी तरीके से समाप्त करेगा। आज उसका शुभारंभ हम रतलाम नगर क्षेत्र का कर रहे हैं, पूरे जिले के अंदर जो अभी हमारे CMHO साहब ने रिपोर्ट दी, उन्होंने बताया है, आज उसका शुभारंभ हो रहा है। आज किल कोरोना अभियान के लिए आप फील्ड में जा रहे हैं, यह निश्चित है कि महामारी कोरोना की पूरे दुनिया में आई, परंतु भारत में हम लोग उस संख्या में नियंत्रित कर पाए, उससे भी ज़्यादा मध्य प्रदेश ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहा। और हम जब रतलाम जिले की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे रतलाम जिले के अंदर भी इसका रोकथाम का जो हमारे उपाय हुए, जिस तरीके से हमने इसको नियंत्रित करा है, हम एक अच्छी स्थिति में है, क्योंकि रतलाम से तीन राज्यों से हमारा जिला लगा हुआ है। हमारे यहाँ के प्रवासी मजदूर भी हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारे रतलाम के नागरिकों का पूरा जुड़ाव गुजरात से लगा हुआ है। कील कोरोना अभियान में घर घर जाकर सर्वेक्षण दलों को गहनता से सर्वे करना होगा, जिससे कोई भी मरीज छूटे नहीं। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सघन मॉनिटरिंग की जाना होगी। CMHO डॉक्टर ननावे ने अभियान की जानकारी देते हुए कहा, कार्यक्रम चलाया जाना 1 से 15 जुलाई के बीच में, उसमें उसके बारे में सिर्फ मैं सरल शब्दों में इतना कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा अभियान है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार के बुखार के लोगों की, बुखार के मरीजों की पहचान करने के लिए हमारे सर्वे दल 15 दिन तक लगातार घर घर पहुँचेंगे, और इसके लिए हमने जिले में 315 दल बनाए हैं, जिसमें हमारी NM आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारे सुपरवाइज़र, और मॉनिटरिंग के लिए जो हमने सेक्टर मेडिकल ऑफिसर्स और जिले से नोडल अधिकारी भी बनाए हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम की सुपरविजन और मॉनिटरिंग करेंगे। बाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किट और जांच मशीनें देकर हरी झंडी दिखाकर दल रवाना किया। पावर हाउस रोड स्थित प्याज लहसुन नीलाम मंडी में विवाद की स्थिति रही। मंडी में जगह कम होने और टोल काटा नहीं होने से विवाद हुआ। टोल काटा दूसरी मंडी में लगा होने से व्यापारियों ने इस मंडी में टोल काटा लगाने की मांग की। व्यापारी नीलेश बापना ने AN टाइम्स को बताया, समस्या यही है कि बड़ा टोल काटा बड़ी मंडी में लगा हुआ है और प्याज और लहसुन इस मंडी में तुलता है। अब वहाँ से अगर माल तोल के यहाँ आया, अगर बीच में कहीं कुछ हो गया तो उसका जवाबदार कौन? क्योंकि व्यापारी को तो उस बड़े टोल काटे के हिसाब से पैसा देना है। किसान क्या कह रहे हैं? किसान का तो जो आदेश है, व्यापारी भी आदेश मानने को तैयार है गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, मगर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की बात कर रहे हम। पावर हाउस रोड पर चल रहे 2 लेन निर्माण के कारण इस पूरे इलाके की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। निर्माण कार्य के लिए हुई खुदाई ने जहां पाइप लाइनों को फोड़ दिया है, वहीं टेलीफोन लाइनें भी उखड़ गई है। कछुए की चाल से चल रहे कार्यों के कारण इस क्षेत्र में जाम लगना रोजमर्रा का काम हो गया है।
सोमवार को तो ओवरब्रिज से आने वाले यातायात के सिराना बस स्टैंड में भीड़ लगने से जाम लगा रहा। जाम में फंसे वाहन रेंगते हुए निकले। बिगड़ती व्यवस्थाओं के कारण नागरिकों में आक्रोश रहा। बुधवार को पुलिस ने इस क्षेत्र की व्यवस्थाएं संभाली। ट्रैफिक थाना प्रभारी से लेकर पुलिस कर्मियों ने जाम लगने से रोका, लेकिन फिर भी वाहनों की कतार लगती रही। पुलिस को चारों तरफ से आने वाले वाहनों को नियंत्रण करना चाहिए। जावरा कृषि उपज इन दिनों समस्या की मंडी बनी हुई है। मंडी की समस्याओं को लेकर कृषकों और व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को व्यापारियों और किसानों ने 9 सूत्री मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अनुविभागीय दंडा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी। किसान नेता डीपी धाकड़ ने बताया, क्या कुछ आज मांगों को लेकर आज हम सब लोग यहाँ जो किसान माननीय अनुविभागीय अधिकारी और भार साधक अधिकारी मंडी के जो है इनके बीच में उपस्थित हुए थे। हमारी प्रमुख मांग ये थी कि यहाँ मंडी जो प्रांगण है, उस मंडी प्रांगण में अनेकों अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं को दूर किया जाए। महत्वपूर्ण ये था कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो प्याज और लहसुन खाली मंडी में खड़ा करते हैं ट्रैक्टर, तो दो दो तरफ से डाले खुलवाए जा रहे हैं, आधा माल नीचे गिर जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं और किसान को एक ट्राली के साथ 4 जने को आना पड़ रहा है। और यहाँ बाजार है, यहाँ लहसुन प्याज सारे मंडियाँ बड़ी मंडी होने के बाद यहाँ इकट्ठी व्यापारी मनमर्जी से कर रहे हैं। आज हमने अभी बात करी है और कल से मंडी प्याज की मंडी अरनिया पीथा चली गई है, उसका अलाउंस भी करा दिया है। मंडी में इतना सारी गंदगी हो रही है, क्यों? तो क्यों, वो ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, उसको सोकाट नोटिस जारी कर रहे हैं। यहाँ हमारे किसान लोग पर्चियाँ लेके घूम रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी पर्ची देता है व्यापारी, बिल नहीं देता है। अगर कहीं गलती से वो गिर गया तो उसका माल गिर गया समझो, तो आज उस मंडी को पूरे उनको दिया है गया सोकास नोटिस कि पक्का बिल दिया जाए। हमारे पास मजदूर हैं, आपने देखा होगा आज के समय में मजदूर मिल नहीं रहे हैं, और जहाँ मजदूर काम करना चाहते हैं उनको एक हफ्ता भर काम करने के बाद 265 रुपये दे रहे हैं और वैल्यूएशन नहीं आ रहा है। मनरेगा के नियम में लिफ्ट कहीं नहीं है। मैंने आप सबको अवगत कराया, मैं खुद वहाँ गया और मैंने जहाँ से तगारी लेकर मिट्टी डालने जा रहे थे वहाँ से 200 कदम दूर चलना पड़ रहा है, वो खोदेगा कि मिट्टी डालेगा। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम अभी आए हैं यहाँ। हमारी लगभग एक चीज़ और रही है जो जिला पंचायत सीओ साहब से बात कर वो मजदूरों को अवगत करा रहे हैं। बाकी सारी मांगे हमारी एसडीएम साहब ने 3 दिन में हल करने के लिए आश्वस्त किया है। हम लोग जिस तरीके से आज बिल्कुल सारे नियमों का पालन करते हुए प्रतिनिधि लोग आए हैं, ये सारी समस्याएँ हल हो जाए तो पूरे प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है। और अगर हमारी समस्याएं हल नहीं हो तो आंदोलन हम जारी रखेंगे। किसान और मजदूर का अहित जहाँ होगा वहाँ हम किसी भी हालत में लड़ने को तैयार हैं।